सो हाई एवरी वन एंड वेलकम टू माई चैनल बींग फार्मासिस्ट। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोज़। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट वेस्ट बंगाल PGET एग्जामिनेशन, ऑल इट्स अबाउट लाइक PGET क्या है, इसके थ्रू कहाँ पर एडमिशन होते हैं एंड फॉर दिस ईयर 2024 डेट्स क्या है एंड लाइक ऑल अदर डिटेल्स। तो डिटेल्स में बात कर लेते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली एक जनरल बेस बात कर रहा हूँ कि ये PGET एग्ज़ाम है क्या, ताकि कोई भी ईयर हो, कोई भी ईयर में आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप सबके लिए सिमिलर हो जब तक कोई चेंजेस नहीं हो जाता। तो देखो, PGET क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। कौन कॉन्डक्ट करते हैं इसको? मैकाउट और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इस मैकाउट के अंडर इनके इन हाउस कैंपस है, मतलब इनके खुद के एक कैंपस है, और इनके अंडर सेवरल कॉलेजेस आर अवेलेबल फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो फॉर द फार्मेसी। कुछ कॉलेजेस इनके अंडर है, कुछ कॉलेजेस जो होते हैं या फिर जिनको यूनिवर्सिटी बोला जाता है वो ऑटोनोमस या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, वो इनके अंडर नहीं है। ठीक है, मेन हमारा ये फार्मेसी का चैनल है, तो हम लोग यहाँ पे एम फार्मेसी के एस्पेक्ट से बात करते हैं। तो एम फार्मेसी के लिए इन हाउस कैंपस अवेलेबल है, ठीक है। उसके साथ साथ बाकी जो अदर्स कॉलेजेस हैं जो मैकआउट के अंडर आते हैं, उसके उन सारे कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेने हैं तो इट इज़ मैंडेटरी टू गिव दिस एग्ज़ाम। आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग अगर आप GPAT और GATE क्वालिफाइड हो तो। GPAT कैंडिडेट्स के लिए सीट्स रिजर्व रहते हैं और GATE कैंडिडेट्स के लिए भी सीट रिजर्व रहते हैं। उनको छोड़कर बाकी सारे को यहाँ पे देना पड़ेगा, भले ही आपने सीट बुक करके रखा हो किसी कॉलेज में या फिर नहीं। एंड इन हाउस के लिए तो इट इज़ मैंडेटरी, ठीक है, आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल्स। इस साल के लिए अगर मैं बात करूँ तो 5th को आया है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन, जहाँ पे आप लोग पहले तो एनरोलमेंट करोगे, फिर एप्लीकेशन सबमिशन करोगे, देन फीस पेमेंट करोगे, देन 22nd को लास्ट डेट है, 22nd जून को, ओके, लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। एंड द एग्ज़ाम डेट इज 6th जुलाई, राइट। ये थोड़ा सा मैंने इस ईयर का डिटेल बता दिया। अब ये तो हो गया इस साल का डिटेल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर डिटेल्स, लाइक क्या ऑल इंडिया के सारे स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं? तो येस, द आंसर इज़ येस, ऑल इंडियन नेशनल्स कैन गिव दिस एग्ज़ाम, बट उनको जो अपना वी फार्मेसी है वो PCI और AICTE और CUA अप्रूवल कॉलेज से करना होगा। मेनली अभी PCI इज़ द बॉडी फॉर अस, सो PCI अप्रूव्ड आपका कॉलेज होना है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो। जो स्टूडेंट्स अभी लास्ट सेमेस्टर में है या फिर 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू गिव दिस एग्ज़ाम। फॉरन स्टूडेंट्स जो है, दे आर नॉट एलिजिबल टू गिव दिस एग्ज़ाम। मोड क्या है? तो दिस एग्ज़ाम विल कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पेपर इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो वो CBT मोड का एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड, एंड अ सिंगल पेपर, एक ही पेपर होगा आपका वहाँ पे। एंड ऑल कैंडिडेट्स दे हैव मस्ट इन द अपियर इन द एंट्रेंस टेस्ट, जो भी आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी इज़ वेरी सिंपल, यू शुड हैव अ बी फार्मेसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, अप्रूव्ड फ्रॉम द PCI और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड आपका मिनिमम यहाँ पे 55% मार्क्स चाहिए एज पर द PCI नॉर्म्स। अब बात करते हैं कॉलेजेस की। तो सबसे फर्स्ट एंड मेन टारगेट शुड बी द मैकआउट इन हाउस कैंपस। मैकआउट का जो मेन कैंपस है, जो यूनिवर्सिटी कैंपस है, वो हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए फॉर द एम फार्मेसी। अगर हम इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, या तो फिर हम GPAT देंगे, NIPER देंगे, दूसरे एग्जाम्स को देंगे, इसका क्या फ़ायदा देने का, राइट। तो मेन फोकस हमारा होना चाहिए द मैकआउट इन हाउस कैंपस, जिसके लिए आपको सबसे टॉप रैंक लाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहला टारगेट यही रहेगा सब स्टूडेंट्स का। तो जितना जो भी टॉप स्टूडेंट्स होंगे, जब तक सीट रहेगा तब तक बुकिंग होंगे। उसके बाद की अगर कुछ कॉलेजेस की बात करें, तो यहाँ पे और आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेंगे M.Pharm के लिए वेस्ट बंगाल में। मैं यहाँ पे दो चीज़ इंक्लूड करूँगा, एक है जादवपुर यूनिवर्सिटी, तो उसका जो M.Pharmacy का एडमिशन होता है वो डायरेक्ट होते हैं, जादवपुर अपना एडमिशन खुद करते हैं। एंड सिमिलर वे पे नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी और नॉर्थ बंगाल जो फार्मेसी है, वहाँ पे भी इफ़ यू नीड एडमिशन, इफ़ यू वांट एडमिशन, देन वहाँ पे भी अपना एडमिशन फॉर्म निकलते हैं, दे टेक देयर ओन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। सिमिलरली लाइक जादवपुर में GPAT के थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है, ये दोनों जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उसका एडमिशन प्रोसेस है। बाकी यहाँ पे आपको मिलेंगे बंगाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च, जो कि आई थिंक दुर्गापुर में है, भारत टेक्नोलॉजी इज़ द NSHM नॉलेज कैंपस कोलकाता। इसके साथ साथ आपको मिलेंगे यहाँ पे बंगाल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, डॉक्टर BC Roy कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंस, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, एंड बंगाल कैलकाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। ये कुछ कॉलेजेस अवेलेबल है फॉर द M.Pharmacy जहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज और कोई नहीं है, बस यूनिवर्सिटी कैंपस जो है वहीं पे आपको मिलेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एग्ज़ाम। इफ़ यू नीड एडमिशन,
इन वेस्ट बंगाल, प्राइवेट कॉलेजेस एज वेल एज मैकआउट इन हाउस कैंपस। आप इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप कर दो, ठीक है। अगर कोई आपका प्रेफरेंस है कि मुझे वेस्ट बंगाल में ही एडमिशन लेना है, बट आई वुड प्रेफर ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट कॉलेजेस बिकॉज यू विल बी डूइंग योर मास्टर्स, राइट। पीजी डिग्री करोगे आप तो पीजी डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ टोटली रिलेटेड टू योर रिसर्च, यू नो, योर लैब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो समटाइम्स। फैकल्टी इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स आर देयर, यू नो, फॉर अ पीजी इंस्टीट्यूट। तो ऑलवेज चूज अ बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट इन द वे कि सिर्फ लाइक टॉप प्लेसमेंट होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेस्ट इन द सेंस कि जहाँ पे सब कुछ ठीक हो, लाइक ऑल लाइक द प्लेसमेंट। ऑफ कोर्स प्लेसमेंट इज़ द अल्टीमेट थिंग जो हमको चाहिए आफ्टर एम फार्मेसी। के साथ साथ थोड़ा हॉस्टल वगैरह ठीक हो, फीस रिजनेबल हो एंड फैकल्टीज़ जहाँ पे अच्छे हो, थोड़ा सा यू नो जस्ट लाइक जादवपुर यूनिवर्सिटी, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, दिस आर वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स। सो दिस इज अबाउट अ वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।